चाची बनाने लगी हैं बिरयानी, तो उसके लिए उन्होंने अनियन कट किए हैं, पुदीना है, नमक है हमारे पास, बिरयानी मसाला है, इमली है, ऑयल है, और ये हैं गरम मसाले, और यहाँ पे हमारे पास है धड़ा मिर्च, और ये है सूखा धनिया। तो अभी वो रेसिपी बनाएंगे, मतलब आपके साथ मैं शेयर करती हूँ जब वो बनाती हैं। गाइस अभी हम लोग डालने लगे हैं ऑयल इसके अंदर, तो मैंने मेरी से जो है वो कैमरा ले लिया और मैं ये कर रही हूँ। और ये प्याज जो है ब्राउन, ये देखें हो रहे हैं, देखिए कैसे तड़प रहे हैं ऑयल में, ऐसे हमारे रिश्तेदार हैं जो हमें देख के तड़पते हैं, और मतलब वीडियो देख के लोगों को इंसान को आगे घटता हुआ देखते हैं। और ये पूरा मैरी जो है यहाँ पे कर रही है, जब तक ये ब्राउन हो जाएंगे फिर हम इसमें वो ऐड करेंगे गार्लिक पेस्ट। ये चाची ने सॉल्ट ऐड कर दिया इसमें। और गाइज आप हमारी रेसिपीज ट्राई किया करें, बहुत टेस्टी खाना बनता है। मुझे अपने घर के अलावा किसी का खाना नहीं पसंद जो चाची बनाती है और मामा बनाती हैं। इसके अलावा मैं कहीं भी चली जाऊँ खाती ज़रूर है, खाती हूँ, लेकिन थोड़ा वो भी जो मेरे सामने बनता हो। गाइज इसमें चाची डालने लगी हैं गरम मसाले, इसके अंदर है लौंग है और वो जो फ्लावर टाइप होता है कुछ मसाला, और काली मिर्च मेरी पसंद की चीज़ जो है, इमली, चाची ने आपको चीज़ें बता दी हैं। और अगर आप कहेंगे कि आपको रेसिपी चाहिए पूरी के क्या क्या मसाले डालते हैं, कैसे मैरिनेट करते हैं चिकन को, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं आपको सारी रेसिपी शेयर करती हूं। तो अपने घर में सब चीज़ें मंगवा के खा सकते हैं। तो यहाँ पे चाची ने मैरिनेट किया था चिकन, जो कि दोपहर को कर दिया था, तो अभी उन्होंने चिकन डाल दिया है इसके अंदर, तो इसको फ्राई करते हैं तो आपको मिलती है। तो गाइस यहाँ पे पुप्पो आई थी, उन्होंने मामा को आते सारी तंग कर दिया। मेरी जो पुप्पो आती है ना, मेरी मामा को स्कूल नहीं लेने देती, तो यहाँ पे वो कह रही हैं हमें सब्जी निकाल के दो, तो हमने घर लेके जानी है। तो लोगों की पुप्पियाँ आके उनके घर फसाद कराती है और हमारी जो है वो आके काम करवाती है। तो गाइस यहाँ पे चिकन जो है हमारा वो रोस्ट हो गया था, तो इसमें चाची ने डाला है 1 चम्मच नमक, और अब डालेंगे बिरयानी मसाला। बिरयानी मसाला डल जाता है तो उसके बाद हमें घर के मसाले डालने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमारे घर में हमारे अलावा बाकी सब जो हैं वो स्पाइसी ज़्यादा नहीं खाते, तो इस वजह से हम कम डालते हैं। तो अभी इसमें हमने डाल दिया है बिरयानी मसाला। चाची को जो है जैनी चोरी चोरी बोल जाती है, चाची स्पाइसी बनाना तो बना देती हैं। फिर जो 1 चम्मच डाल दिया है इसमें गर्म मसाला, 2 चम्मच सॉरी सूखा धनिया, मैंने कोई सब चीज़ों का पता नहीं, वैसे मुझे और 1 चम्मच है धड़ा मिर्च, 2 चम्मच तो ये तो घर के मसाले बना ले, थोड़े से ना लेना। चाची इसके अंदर बिरयानी में आलू भी डालने लगी हैं, वो पापा की फरमाइश पे, क्योंकि उन्हें पसंद है, क्योंकि हमारे घर हैरिस को बिरयानी बहुत पसंद है, तो 2 दिन बाद हमारे घर बिरयानी पक रही होती है, तो पापा कहते हैं कि उनको नहीं पसंद, तो इसलिए आज हम डालेंगे आलू। कराची में ज्यादातर ऐसी बिरयानी बनती है। तो अभी इसके बाद चाची क्या डालते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी चाची डालने लगी हैं इसमें टमाटर, तो अभी ये थोड़ा सा इसको भूनेंगी, उसके बाद आप क्या डालोगे पानी, तो पानी के बाद जब उबाइल आ जाएगा तो वो डालेंगी चावल। तो अब गाइस मैं जा रही हूँ चावल लेने, तो जब वो बन जाएगी पूरी बिरयानी तो उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी। नहाते नहाते तक यहाँ पर बिरयानी भी रेडी हो गई है, तो यहाँ पर चाची खोलने लगी हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। एक ये जो स्टीम आती है ना इससे कैमरे पे सारी, तो वो फिर वीडियो थोड़ी सी ब्लर हो जाती है। तो गाइस खुशबू तो अच्छी आ रही है, अब टेस्ट करके पता चलेगा, पहले भी हमेशा अच्छी होती है तो अब भी अच्छी होगी। तो अभी चाची इसको थोड़ा सा, कितनी मजे की हीट है, तो गाइस मैंने शावर ले लिया है और मैं फ्रेश हो चुकी हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है,
तो अभी मैंने आपको जैसे दिखाया बिरयानी, तो खाना रेडी हो गया है, तो जो गेस्ट आए हुए हैं पुप्पो, तो अभी वो सब खाएंगे, क्योंकि मैंने तो अभी नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है। तो आप लोग गाइस वीडियो देखते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो जाएं चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमने जो है 1000 सब्सक्राइबर्स जो हैं कंप्लीट करने हैं, इंशाल्लाह हो जाएंगे आप अगर सपोर्ट करेंगे तो। तो मिलती हूँ मैं भी आपको थोड़ी देर में। गाइस ये मेरे बचपन के टॉयज़ हैं, टॉय रैक है प्लस बुक रैक है। तो यहाँ पे कुछ काफ़ी ज़्यादा सर्टिफिकेट्स पड़े हुए हैं जो मुझे प्रीवियस क्लासेस में मिले हुए हैं, और कुछ जो है शील्ड्स भी पड़ी हुई हैं। और इन टॉयज़ के साथ कभी कभी जो है अपनी मेमोरी मामा जो है रिकॉल करवाती हैं कि तुम लोग इसके साथ खेलते थे, ये टॉय इन्होंने दिया है, ये मामू ने दिया है। तो कभी कभी वो चीज़ें याद आती हैं कि बचपन जो है वो बहुत अच्छा था, क्योंकि बड़े होकर इंसान पर बहुत सारी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, टेंशनस आ जाती हैं, स्टडी की टेंशन जो मेन चीज़ होती है कि उसमें आपने सक्सेस लेनी है, कामयाब होना है और अपने माँ बाप का जो है नाम रोशन करना है और जो आपके एम्स हैं उनको पूरा करना है। तो चलें अभी हम, ये आप देख सकते हैं स्केचिंग जो एंजल ने की है, मेरी सिस्टर ने, और ये जो है मैंने बनवाया है, क्योंकि जब मैं संडे स्कूल टीचर थी तो हम लोग इस तरह की क्रिएटिविटीज़ जो हैं, क्राफ्ट जो हैं, वो बनवाते होते थे स्टूडेंट्स से। तो ये तब का पड़ा हुआ है, और कभी अगर टाइम मिला तो मैं इसकी जो है आपको फुल वीडियो दूंगी कि इसमें कौन कौन से टॉयज़ हैं, कौन कौन से बर्थडे के कार्ड्स हैं जो मेरे क्लास फेलोज़ ने दिए हुए हैं मुझे, और कुछ गिफ्ट्स हैं मेरी बर्थडे के, और काफ़ी ज़्यादा सर्टिफिकेट्स हैं कराटे के हैं और पीटी के हैं, और क्लास में अच्छी मतलब परफॉर्मेंस पे भी हैं, स्लिप्स हैं, काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाऊँगी। तो गाइज़ अभी मैंने खाना खा लिया है, और कुछ था नहीं वीडियो बनाने के लिए, शाम हो गई थी तो कुछ टाइम जो है फैमिली के साथ स्पेंड किया। और अभी जो है मैं व्लॉग एडिट कर रही थी तो मुझे याद आया कि मैंने जो है वीडियो का एंड नहीं किया। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी हम लोगों ने 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं, और जो है कमेंट्स भी करें ताकि जो है मुझे पता चले कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। चलें जी, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।